नमस्कार दोस्तों, रूपचंदा मछली बेसिकली ब्राजील मूल की मछली है। इंडिया में इसे रूपचंदा और पापलेट के नाम से जाना जाता है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम पम्पस अर्जेंटियस है, जो स्टोमेडिया से संबंधित है। यह मछली केवल एक कांटे वाली समुद्री मछली है और यह मछली भी पूरी दुनिया में व्यापक रूप से पाली जाती है। रूपचंदा मछली को चाइनीज में पम्फ्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए रूपचंदा मछली की लॉजिक को समझते हैं। दोस्तों, रूपचंदा मछली कैटफिश के प्रजाति में आती है। अगर हम फंगेसियस मछली की बात करें, जिसको कई लोग बैखर, जासर, फंगास के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों मछलियों को कंपेयर करें तो दोनों में सबसे तेज ग्रोथ रूपचंदा मछली का ही होता है। रूपचंदा मछली फंगेसियस मछली से कम समय में तैयार हो जाती है, यानी कि मार्केटेबल साइज हो जाती है, 1 किलो की हो जाती है। दाना की बात करें तो फंगेसियस मछली भी 1 किलो 500 ग्राम दाना खा करके 1 किलो की होती है और रूपचंदा मछली भी 1 किलो 500 ग्राम दाना खा करके 1 किलो की होती है। फंगास मछली की तरह रूपचंदा मछली भी फ्लोटिंग फीड बड़े प्यार से खाती है। दोस्तों, आप इसके साइज के अनुसार 1 mm से लेकर के और 4 mm का दाना दे सकते हैं। रूपचंदा मछली एयर ब्रीदर नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। जैसे फंगेसियस मछली तालाब के पानी के ऊपर आकर सांस ले लेती है, लेकिन रूपचंदा मछली तालाब के ऊपर आकर सांस नहीं ले पाती है। रूपचंदा मछली कैटफिश के प्रजाति में तो आती है, लेकिन इसकी सारी हरकतें IMC और कार्प वाली है। इसीलिए जब आप अपने तालाब में बच्चा स्टॉक करें तो ध्यान दें कि 1 एकड़ में 8,000 से अधिक बच्चा न हो। इसका पालन आप मोनोकल्चर में ही करें, जैसे एक तालाब में केवल रूपचंदा का ही पालन करें। अगर आप रोहू, कतला, ग्रास, मृगल, सिल्वर के साथ डालते हैं तो रूपचंदा मछली इनके पंख और पूंछ को काट कर खा जाती है और धीरे धीरे इनकी मृत्यु होने लगती है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब बच्चा अपने तालाब में डालें तो केवल रूपचंदा का ही डालें, उसमें और कोई बच्चा उसके साथ न डालें। दोस्तों, रूपचंदा मछली ठंड के महीने में सर्वाइव नहीं करती है। इस मछली को ठंड आने से पहले ही अपने तालाब से हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने तालाब से बेचते हैं। दोस्तों, रूपचंदा मछली हाई अमोनिया में सर्वाइव नहीं करती है, यानी कि अगर आपके तालाब के पानी में अमोनिया है तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो कोशिश ये रहे कि आप अपने तालाब का अमोनिया लेवल हमेशा चेक करते रहें। ज्यादा अमोनिया होगा तो भी ये मर जाती है। अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अमोनिया को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, रूपचंदा मछली को कई लोग चिकन वेस्ट खिलाते हैं, लेकिन अगर आप हाई डेंसिटी में रूपचंदा मछली का पालन करना चाहते हैं तो उसे चिकन वेस्ट न खिलाएं। चिकन वेस्ट खिलाने से इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है और तो और ये मछली और खूंखार हो जाती है और चिकन वेस्ट तालाब को पूरी तरह दूषित कर देता है। उतना अच्छा FCR आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो केवल इसको फ्लोटिंग फीड ही खिलाएं, जो तालाब के पानी के ऊपर तैरता रहता है। दोस्तों, इस मछली का मार्केट में काफी अच्छा डिमांड है। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो ये मछली 140 रुपए किलो से लेकर के 150 रुपए किलो बड़े आराम से बिक जाती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपके वहाँ इसका क्या रेट है। दोस्तों, रूपचंदा मछली के दांत नुकीले होते हैं, जिसे ये किसी भी कठोर चीज को काट कर खा जाती है। रूपचंदा मछली के पालन में फंगेसियस मछली से ज्यादा मुनाफा होता है और आराम से बिक भी जाती है। दोस्तों, इसके पालन में आप गोबर का प्रयोग न करें, यानी कि तालाब में दाना के अलावा उसमें किसी प्रकार का ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद का प्रयोग न करें, केवल और केवल दाना ही खिलाएं। अगर आप पुराना बच्चा अपने तालाब में डालते हैं 25 से 30 लाइन का, तो ये 4 महीने में 1 किलो की हो जाएगी। मैं खुद इसका पालन करता हूँ, अच्छा मुनाफा मिलता है। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे फिश पॉन्ड चैनल पे। धन्यवाद।